हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम है हैप्पी औजला। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ इंस्टाग्राम की कुछ टिप्स, ट्रिक्स और कुछ हैक्स। अभी जो वीडियो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये मैंने लास्ट ईयर 11 जनवरी को बनाई थी। ये भी इंस्टाग्राम की स्टोरीज की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसी के ऊपर है। इसमें काफी सारी टिप्स मैंने बताई थी, जो आज वाली वीडियो है उसमें भी मैंने यहाँ से कुछ टिप्स उठाई हैं, क्योंकि ये मेरी ही वीडियो, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो एक बार जब आप ये वाली वीडियो देख लोगे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके बाद जरूर ये वाली वीडियो देखना, ताकि आपको सारी जो टिप्स हैं वो अच्छे से पता चल जाएं। और अब स्टार्ट करता हूं मैं आज की वीडियो। सबसे पहली टिप है क्विक रिप्लाइज। ये वाली जो टिप है ये इंप्लीमेंट होगी जितने भी बिजनेस अकाउंट है उनके लिए। नॉर्मल जो आपके अकाउंट है, प्राइवेट अकाउंट है, उन पे ये टिप नहीं चलेगी। तो पहली टिप है बिजनेस अकाउंट वालों के लिए। सबसे पहले आपको जाना है आपके होम पेज के ऊपर, और उसके बाद आपको ये जो तीन लाइन दिख रही है ऊपर, इसके ऊपर करना है क्लिक कुछ इस तरीके से। और फिर हमें जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जब आप चले जाओगे, उसके बाद आपको जाना है बिजनेस के अंदर, और बिजनेस के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्विक रिप्लाई। तो अगर आप इस पे सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने पहले से ही सेट किया हुआ है। अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप एक नया सेट कर सकते हो, और जितने चाहो आप उतने सेट कर सकते हो। चाहे तो यहाँ पे आप अपना जो चैनल है, अपना जो आपका इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब पेज है, जो भी पेज है, आप यहाँ पे अपने लिंक रख सकते हो। किसी को भी डायरेक्ट बस आपको शॉर्टकट दबाना है और भेज सकते हो। तो अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो जहाँ पे शॉर्टकट पूछा है यहाँ पे आप नंबर सेट कर सकते हो। जैसे मैं 2 नंबर को सेट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक मैसेज लिख देता हूँ कि थैंक्स एवरीवन। ठीक है, अब मैंने यहाँ से कर दिया इसको सेव। और अब अगर मैं अपने DM में जाऊंगा, 1 या 2 लिखूंगा, तो ये दोनों में से जो भी चीज होगी वो डायरेक्ट चले जाएगी। तो इस तरीके से काफी सारे क्विक रिप्लाईज आप बना सकते हो। सेकंड टिप की अगर मैं बात करूं तो वो होगी क्लिकेबल पोस्ट। इस तरीके से आप बना सकते हो। तो अभी मैं हूं एक पिक्चर के ऊपर जो मैंने पोस्ट की है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। अगर आपने भी मान लीजिए कोई भी पोस्ट यहाँ पे की हुई है, आप उसको डालना चाहते हो क्लिकेबल बना के अपनी स्टोरी पे, तो कैसे करना है वो बताता हूँ। ये जो आपको एरो वाला साइन दिख रहा है, अगर आप इस पे करते हो क्लिक, ऊपर आपको ऑप्शन दिख जाएगा एड पोस्ट टू योर स्टोरी। तो अगर आप इस पे कर दोगे क्लिक, ये सीधा का सीधा आपकी स्टोरी में चले जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो, छोटा या बड़ा जैसा आप करना चाहो आप कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ से मैंने बैकग्राउंड का कलर किया ब्लैक, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हो गया है ब्लैक। उसके बाद आप इसको बड़ा छोटा जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। यहाँ से जिफ ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आपको पता है जिफ करने के लिए इस पे जाना है, जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो। और उसके बाद आप कर सकते हो सेंड टू, और सीधा आप करो योर स्टोरी। तो अभी ये मेरी स्टोरी पे चला गया है, और मैं अभी इसको पोस्ट कर रहा हूँ सिर्फ इस वीडियो के लिए, थोड़ी देर में मैं डिलीट कर दूंगा। तो अगर अब मैं अपनी स्टोरी के ऊपर जाता हूँ, मान लीजिए मैं गया अपनी स्टोरी पे, मैं तो यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकता, बट अगर कोई भी बंदा मेरी स्टोरी देखेगा और वो इस पे अगर क्लिक करेगा तो सीधा का सीधा मेरी पोस्ट के ऊपर चले जाएगा, और आपको कुछ लाइक्स मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये काफी हैंडी ट्रिक और टिप है आप सबके लिए। थर्ड टिप का नाम है नेम टैग। नेम टैग होता क्या है? कई बार क्या होता है, लोग आपसे पूछते हैं कि यार तेरी ID क्या है, और आपको बार बार बताना पड़ता है, और उनसे आपके नाम की स्पेलिंग नहीं सही लिखी जाती है, कुछ ऐसी दिक्कत हो जाती है। तो अब यहाँ पे इंस्टाग्राम ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है, उसको कहते हैं नेम टैग। उसके लिए आपको करना है कि आपको जाना है अपने होम पेज पे, और उसके बाद जो ये तीन लाइन दिख रही है ऊपर, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा नेम टैग। तो हर किसी के लिए इंस्टाग्राम ने का स्पेशल एक नेम टैग बनाया हुआ होता है। अगर कोई भी बंदा, आपने अपने फोन में नेम टैग खोला हुआ है और जिसने आपको ऐड करना है उसने अपने फोन में नेम टैग खोला है, और अगर वो इस पे स्कैन करेगा तो ऑटोमेटिकली आप ऐड हो जाओगे उनके इंस्टाग्राम में, वो आपको फॉलो करने लग जाएंगे। इसी तरीके से आप उनको कर सकते हो। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस भी हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो कलर, अगर मैं इस पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड के कलर चेंज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे एमोजीज वगैरह भी मिल जाएंगे, जो भी आप करना चाहते हैं एमोजी वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लीजिए मैं इस पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन आ गए हैं। मान लीजिए मैं सनग्लासेस वाला चाहिए तो ये है, और उसके अलावा लास्ट में यहाँ पे मिलेगा सेल्फी। तो अगर आप चाहो तो अपनी सेल्फी भी लगा सकते हो अपने नेम टैग के ऊपर, आपकी मर्जी है, मुझे ये कलर वाला पसंद है। और अगर आप इस नेम टैग को शेयर करना चाहते हो, आपको बस यहाँ पे ऊपर जहाँ पे शेयर वाला बटन दिख रहा है, अगर आप इस पे करते हो क्लिक, तो सीधा का सीधा आप इसको किसी भी सोशल मीडिया पे सेंड कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप शेयर करना चाहो आप कर सकते हो बड़े ही मजे से, और किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद जब आपको ये टिप पता चल गई है, तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा आपकी इंस्टाग्राम ID, तो ये नेम टैग उनको दिखाओ, बस उनको स्कैन करना है और अपने आप फॉलो करने लग जाएंगे आपको। चौथी टिप है आप सबके लिए, इसका नाम है क्लोज फ्रेंड्स। क्या होता है ये अब आपको बताता हूँ। तो अगर आप क्लिक करते हो कोई भी पिक्चर या स्टोरी पोस्ट करने जाते हो, तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखते हैं, आपकी स्टोरी और पास में ही आ जाता है क्लोज फ्रेंड। तो ये क्या होता है, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता है, बट जिनको नहीं पता है, तो अब आप क्या कर सकते हो, कुछ क्लोज फ्रेंड्स को अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कुछ पिक्चर्स होती हैं जो आप शेयर करना चाहते हो, बट आप चाहते हो कि मैं सबको ना दिखाऊं, कुछ जो सिलेक्टेड बंदे हैं उन्हीं को दिखाऊं, तो ऐड कर सकते हो आप अपने स्पेशल बंदों को अपनी लिस्ट में। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये बंदे आ रहे हैं, तो मैं इनको अपनी लिस्ट में बना सकता हूँ, और जब आप उनको अपनी लिस्ट में ऐड करोगे तो उनके पास भी मैसेज चला जाएगा कि आपने उनको अपने क्लोज फ्रेंड में डाला है, और उनको भी शायद स्पेशल फील होगा।
तो इस तरीके से आप जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं उनको शेयर भी कर सकते हो और आपके सारे फैंस को पता भी नहीं चलेगा जो आपको फॉलो कर रहे हैं। कोई भी बंदा इस चीज़ को यूज़ कर सकता है, चाहे बिजनेस अकाउंट हो चाहे हो प्राइवेट। बहुत ही कमाल का फीचर है। कई बार आप अगर अपनी फैमिली के साथ कुछ शेयर करना चाहते हो, लिस्ट बना सकते हो, काफ़ी सारी लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, फैमिली फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो आप करना चाहो आप कर सकते हो यहाँ से। अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूं तो वो है कि जो क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछते हैं उसके कलर कैसे चेंज करने हैं। जैसे ये जो है ये मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी बार करता हूँ आस्क मी अ क्वेश्चन, तो ये सिंपल सा वाइट कलर का है। अगर आप इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज करना चाहते हो बड़े मज़े से कर सकते हो। ये जो ऊपर बॉल सी आपको दिख रही थी, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कितने सारे कलर्स हैं यहाँ पे। उसके अलावा ये जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे आप सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो जो भी आपका दिल करे। और अब अगर मैं दिखाई रहा हूँ तो एक और चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक ये नया फीचर आया है स्लाइडर वाला, तो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख सकते हो, ठीक है, और उसके बाद ये स्लाइडर से लोग बता सकते हैं उनको कितनी ज़्यादा पसंद है। अब अगर नेक्स्ट टिप की बात करूँ तो वो होगा कि यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करना। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे की क्लिक एक पिक्चर, ये मैंने लास्ट अपनी जो वीडियो थी उसमें भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ। उसके बाद आप चाहते हो कि यार आपको इसका जो कलर है वो एकदम चेंज करना है, ब्लैक ब्लू कुछ भी, आपको करना है कि ये वाला जो आइकन है जो सेकंड आइकन है टेक्स्ट के साथ ही जो आपको ये पेंसिल सा आइकन दिख रहा है अगर आप इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको नीचे काफ़ी सारे कलर्स दिख रहे होंगे। अगर मैं इस तरफ को करता हूँ स्वाइप तो आप देख रहे हो और ज़्यादा कलर के ऑप्शन है। तो अगर मान लीजिए मुझे चाहिए ब्लैक, मैंने यहाँ पे ब्लैक को किया सेलेक्ट और अगर मैं इसको टैप करके रखता हूँ कुछ इस तरीके से तो ये जो मेरा बैकग्राउंड है वो हो गया है चेंज। और यहाँ से अब आप कुछ भी इस पर क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, जिफ ऐड कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर कोई भी और कलर चेंज करना है तो फिर से वही वहाँ पे टैप किया और अब मान लीजिए मैं ये वाला कलर करता हूँ, अगर होल्ड करके रखूँगा तो बैकग्राउंड का कलर हो गया है चेंज। नेक्स्ट जो टिप है उसका नाम है फास्ट जूम। किस तरीके से आप जल्दी जल्दी जूम कर सकते हो अपनी वीडियो बनाते टाइम, तो आपको बस इसको होल्ड करके रखना है कुछ इस तरीके से, अभी वीडियो बन रही है और अगर आप कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे करते हो तो आप फास्ट जूम कर सकते हो, इन आउट बहुत ही ईजी है आपका जो जूमिंग है वीडियो के दौरान, तो आप इस तरीके से स्टोरी के अंदर फास्ट जूम कर सकते हो। नेक्स्ट टिप है हमारी यहाँ पे सेल्फी स्टिकर। तो अभी आप देख सकते हो जैसे एक पिक्चर है, आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ बस आपको। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक पिक्चर, आप यहाँ पे अपनी सेल्फी लगाना चाहते हो स्टिकर की तरीके से, तो आपको करना है क्या, ये जो स्माइली वाला फेस अगर आप इस पे करते हो क्लिक तो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा कैमरा का आइकन। अगर अब मैं इस कैमरा आइकन पे करता हूँ क्लिक तो यहाँ पे आपको मैं दिख रहा हूँ। तो अगर अब मैं इस पर करता हूँ क्लिक तो यहाँ पे इसने सेल्फी ले लिया। अब इसको आप बड़ा छोटा जैसे करना चाहो आप कर सकते हो और कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। ये चीज़ के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, तो पता होना चाहिए क्योंकि हम सब इंस्टाग्राम स्टोरीज के बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत सारी स्टोरीज रोज़ पोस्ट करते हैं। बहुत ही ईजी सा काम है, बस आपको यहाँ पे करना है टैप, उसके बाद करना है कैमरा पे टैप और यहाँ पे आ गया मैं। हेलो, काफ़ी दिनों से आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाई है, बहुत जल्दी ब्लॉग में आ रहा हूँ। तो ये एक और सेल्फी स्टिकर मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो इसी तरीके से आप काफ़ी कमाल के सेल्फी स्टिकर्स बना सकते हो इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर। ये थी मेरी वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरीज के टिप्स ट्रिक्स और हैक्स के ऊपर। कैसी लगी ये वाली वीडियो प्लीज़ मुझे बताना। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी तो इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताओ कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। और जाने से पहले एक बार बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जो पहले मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी वाली वीडियो डाली थी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हो, उसमें और भी ज्यादा टिप्स मैंने बताई हुई हैं। ये वाली जो वीडियो है ये है सेकंड पार्ट उस वीडियो का। अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी तो थर्ड पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा इस वाली वीडियो का। अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो है आप सबके लिए एक बहुत ही खास व्लॉग। मिलते हैं व्लॉग में और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब।